أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بنا استعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفقه ونفثه. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. حضرني غرامي. हरमत वाले महीने में ममनू और मशरू अमाल के ताल्लुक़ से बात चल रही है जुल्हजा के महीने में जो काम हम करते हैं उनमें से एक है क़ुरबानी तो आज हम मालूम करेंगे कि क़ुरबानी के, के ताल्लुक़ से गलतियां, गलत फहमियां और कोताहियां क्या क्या होती है क़ुरबानी की फजीलतें उसकी अहमियत ये अपनी जगह पर मुसलम है आपने बारह सुनी है सबसे पहला एक एतराज का मैं जवाब देना चाहता हूँ वो है कि आम तौर से बाद लोगों की तरफ से ये एतराज़ खड़ा किया जाता है कि कुर्बानी में जानवरों पर जुल्म होता है इतने जानवरों को जबाह किया जाता है क्या ये जुल्म नहीं बरबरीत नहीं अल्लाह ताला ने खुद हज की ये आयत आयत नंबर चौंतीस जिसको मैंने अभी पढ़ी है अल्लाह ने खुद कहा है इसका जवाब है वली कुल उम्मतिन जालना मनसका हर उम्मत के पास कुरबानी का तरीका है वली कुल उम्मतिन जालना मन सका हर कौम हर उम्मत के पास कर्बानी है तो ज़ाहिर सी बात है जितने अध्यान मजाहिब पाए जाते हैं जितने लोग पाए जाते सब सबके पास कुर्बानी का तस्वुर है अलग अलग नाम से कोई बलिदान कहते हैं कोई भेंट चढ़ाना कहते हैं कोई सेक्रीफाइस कहते हैं अलग अलग नाम से बाकायदा हैं। और अगर जानवरों को खाने की बात है अल्लाह ताला ने ये निजाम बनाया है फिर शेर को जाके पूछो कि तू तो क्यों जो है जानवरों को पकड़ के खाता है क्या जुल्म है अब वो कहेगा कि अल्लाह तूने ने मेरी गुजाही रखी है वो तो मैं क्या करूं अल्लाह ने ये निजाम बनाया है बच्चा भी साइंस के थियोरी में पढ़ता है कि जो ये फूड साइकिलिंग है फूड का जो सर्कुलेशन है ये जानवर इसको खाता है उसको उसको खाता है ऐसे होते जो ये फूड फूड का साइकिल चलता है ये निजाम है कुदरत का कानून है ये निजाम चल रहा है ऐसे ही होता है ये और अगर कहेंगे तो जो भाजी सब्जियां तरकारियां हैं फ्रूट्स है से, उनके अंदर भी जान है हाँ तो फिर क्या करें दूध जो है अब ये दूध से बनी हुई चीजें दूध वेज है नॉन वेज है आज तक वो मसला गुत्तिया सुलझी नहीं है क्या कहेंगे आप उसको किससे निकाला जाता है क्या उसको निकाल रहे तो क्या उसके बच्चे पर जुल्म है कि नहीं है बहरहाल मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा हूं जवाब दे रहा हूं जो एक नेचुरल है नेचर है ये हर कौम में यह है अब अगर उसके अलावा देखोगे भाई चिकन के अंदर भी तो जान है ना अब मैं कंपनी को नाम लेना नहीं चाहता हूं खामा खामे कंपनी वाले कहेंगे हमारा नाम अपने क्यों लिया एक एक कंपनियां जो फुला फुला जो है क्रिस्पी फुला फुला बनाकर पेस्ते बे करते कितने लाखों करोड़ों सारी दुनिया में चिकन की जाने जाए हो रही है आपको पता है कि भाई चिकन को पकड़ के खा जाएंगे फिर क्यों बना रहे हैं उसको उसके कारोबार तिजारत कर रहे हो और आपको पता है कि ले जाके जबा करेगा तुम भी जुल्म कर रहे हो जुल्म करने के लिए दे रहे हो उसको तो याद रखिए सब बेकार के एतराज हैं ये कुदरत का निजाम है आप इससे हट के जा ही नहीं सकते हो मुसलमान तो साल में एक बार करते हैं भाई वो भी अल्लाह को राजी करने के लिए एक बहुत बड़ी सुन्नत को और मिल्लत को याद करने के लिए मिल्लत इब्राहिमी और सुन्नत मोहम्मद वो इब्राहिम अलैहि सलाम जिनको सारे आदियान वाले मानते हैं उनका यह वाकया है और इसको इसकी यादगार और अल्लाह का शुक्रिया कि अल्लाह तूने बच्चा नहीं मांगा हमसे हम तो एक जानवर से तो खुश हो गया और ये बात कि अल्लाह तबरक ने जो पैगाम और मैसेज दिया ये हमें समझना सलाम की जिंदगी के हवाले से और फिर हमारे इस कुर्बानी के जरिए से कितने लोगों को बिजनेस होता है कितने लोगों को फायदा होता है कितने जानवरों के पालने पोसने वाले साल भर इसका इंतजार करते हैं और इतना फायदा होता है रिपोर्ट सब है आया है आप यूट्यूब में जाओगे तो सब मिल जाएगा आपको कि कितना फायदा होता है अल्लाह अकबर और इसके जरिए से ना किसी को तकलीफ ना किसी को कुछ और बल्कि कितने लोगों को गरीबों को फायदा होता है कितने गरीब ऐसे हैं साल भर में उनके घरों में बकरे का गोश में असर नहीं होता है बकरीद में वो लोग पेट भर के बकरे का गोश्त खाते हैं बताओ कितना बड़ा एहसान है एहसान है ये इनशाला इसके आखिरी कड़ी है ईद के मुतालिक जो बातें उनसे बताऊंगा कि हमारी ईद का मकसद क्या है बल्कि मकासिद क्या क्या है तो ये पहली चीज है कि जानवरों को ये जो जबा किया जा रहा हम तो एक बार कर रहे हैं साल में तो रोजाना कितने कंपनियां वाले काट रहे हैं जबा कर रहे हैं आप उसकी फिक्र ही नहीं है बल्कि क्यों ये हो ही नहीं सकता है गैर जरूरी बातें हैं और लेदर से बनी हुई चीजें सब इस्तेमाल करते हो है ना कहा से मिलेंगे भैया चमड़े के लेदर के जो मिलेंगे कहां से मिलेंगे आप खैर अल्लाह ताला नेक अता ने एक तोहफी कथा फरमाएं गलत बानी इससे सबको महफूज रखें ये पहली बात थी बेहती गलत उसके बाद कुर्बानी की तारीख हिस्ट्री आप जानते हैं इब्राहिम से पहले भी काबिल की कुर्बानी सबसे पहले कुर्बानी थी कुर्बानी में सबसे पहली चीज हमारे दिल में जो आना है वह है तकवा काबिल के वाक्य में कहा कि इन नकबल्बिनतकी अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से कबूल करता है और कुर्बानी का हकम और मसाइल में अल्लाह ताला ने हज में ही फरमाया दिमा हुआ वाला की तुमसे अल्लाह को तकवा मतलूब है गोश पोस ये सब नहीं है इसलिए हाँ? जानवर पर इतना गोश निकला तेरे नहीं फख्र ना करे अल्लाह का शुक्रिया अदा करे तकवे के साथ इखलासियत के साथ पूरी सिंसियरिटी के साथ अल्लाह के लिए कुर्बानी करें दूसरी बात कुरबानी के जानवर के तलुक से अल्लाह तरमाया कि बहीमतुल अनाम होना चाहिए बहीमतुल अब बहीमतुल अनाम क्या है तो समानियत अजवाज कहा गया कि आठ जोड़े हैं चार जोड़े मिलाकर आठ बनते हैं एक है गाय बैल ये दो हो गए ऊट ऊटनी चार हो गए दुम्बा दम्बी और बकरा बकरी अब ये छेला छेली बकरा बकरी में दाखिल है हा दाखिल है ये आठ किस्म के जानवर जबा करना क्योंकि शरीयत ये कहती है क्या करना कब करना कैसे करना कितना करना हाँ आपके मन में आया मगरिब की नमाज पांच शकर पढ़ तो नहीं चलेगा नहीं चलो ईद आज जाके मना देते नहीं चलेगा हाँ कितना करना कब करना कैसे करना ये सब शरीयत में साबित है और क्या करना तो कौन से जानवर भी है अब ये जो तो जानवर हैं आप मालूम कि अब वो जानवर जिन इलाके में जिनकी पाबंदी है आपको पूरा उसका पासों लिहाज रखना चाहिए खामा खामे आबेल मुझे मार नहीं होना चाहिए कानून को हाथ में मत लीजिए गलत कदम मत उठाइए हां अल्लाह ने आपको सहूलत नहीं दी आप बकरा नहीं दे सकते हो तो हिस्सा के लिए भी गुंजाइश नहीं है मत दो गैर कानूनी कदम क्यों उठा रहे हो मत दो खामा खामे जाकर अल्लाह जानता है कि भाई ये जो है हिस्सा लेने की ताकत है हिस्सा के लिए यहां सहूलत नहीं है पाबंदी है तो अब क्या करें भाई बकरा दे नहीं सकता अल्लाह माफ करेगा मत दो अल्लाह ने सहूलत कर दी क्यों आप तकलीफ में जा रहे हो एक मसला में अब यार करना चाहूंगा भैंस के ताल्लुक से भैंस की कुर्बानी भैंस पे पाबंदी नहीं है क्या भैंस की कुर्बानी जायज है एक बात याद रखी उलामा ने इतलाफ किया है बाज ने कहा कतान जायज नहीं बाजने कहा कि जायज है मुतल तौर पर और इसमें सही तहकी महक बात में आपको खुलासे के तौर पर बताता हूं बाकी तहकीकत बहुत सारी है कि मुतलक तौर पर कहना कि भैंस की कुर्बानी जायज है यह सही नहीं है मुतलक तौर पर और यह भी कहना कि कभी जायज नहीं यह भी सही नहीं है हालात के एतबार से भैंस की कुर्बानी जायज है जायज है जहां पर पाबंदी है आप छोटे जानवर नहीं ले सकते हो ठीक है भैंस में हिस्सा ले लो क्योंकि भैंस को तकरीबन फका उलामा ने लिखा चाहे शेख बिन बाज हो शेख सालसैमीन हो और दीगर उलमा अजवाइन सब ने कहा कि यह बकरतुल हिंद ये, बकरतु ये नमिन अल बकर गाय की एक किस्म है जैसे शरीयत में दुम्बा दुम्बी के बारे में है क्या नहीं है हमने बकरों के जिन्स में जेंडर में उसको शामिल किया तो गाय के जिन्स और जेंडर में इसको शामिल किया गया और बास अरबी इसमें कहा कि ये बकर बकरतुल हिंद है ये, ये हिंदुस्तान की गाय है है हाँ ना जैसे गाय का लफ्ज और भी बात चीजों को बोला जाता है लेकिन ये अगर किसी इलाके में मजबूरी है तो इसके जबा करने में कोई हर्ज नहीं है बहुत सरे ऊलमान इसका फतवा दिया है तो एक चीज है अगर जरूरत पड़ी तो इसमें आप कर सकते भैंस की कुर्बानी उसमें हिस्सा ले सकते कोई हर्ज की बात नहीं है एक बहुत बड़े आलिम उनसे पूछा गया कि भैंस की कुर्बानी कैसी है उन्होंने कहा आज हुआ मिनल बकर गाय से ज्यादा बेहतर है गाय से ज्यादा बेहतर है कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गाय के गोश् में बीमारी है और भैंस के गोश के बारे में नहीं कहा कहा कि भैंस का गोश ज्यादा बेहतर है गाय के गोश् के मुकाबले में हाँ उससे बीमारी नहीं है ज्यादा उसमें हीट नहीं है लेकिन हमारे पास एक माइंड सेट है आमतौर तो से जो साउथ इंडिया में इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है इस्तेमाल कर सकते हैं तो एक बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी है कुर्बानी के, के से फिर आगे बढ़ते हैं कुरबानी के, के, के बेब होता है बे आय जानवर देना है आयदार नहीं है आयबदार चीजों को अल्लाह तबूल नहीं करता है इसमें गलत गलतियां क्या होती कुछ लोग मुश्तरा कुरबानी दे देते हैं कहा दिए फुला पोस्टर है दो हजार में कुर्बानी कहा वहां पर कहीं यूपी में बिहार में बंगाल में आसाम में मणिपाल में बरकता मणिपुर में कहा करते हैं पता नहीं करते भी नहीं करते हैं इसलिए आप दो भाई आप दे दो कुर्बानी का पैसा देने से कुर्बानी नहीं हो जाएगी कुर्बानी आपको जानवर जबा करना है हिस्सा लेना है ये आजकल कुर्बानी के नाम पर बहुत सारे लोग ठगा रहे हैं याद रखें इससे आप दूर रहें परहेज करें दूसरी बात कुछ लोग कहते हैं यहां बार बार हम लोग जो है क्या करते हैं हिस्सा देते हैं और वो कम ऑफर करते हैं इतना तो कमजोर जानवर आपने देखा जानवर नहीं देखा कमजोर बीमार ऐसे जानवर को लाते हैं नबी ने हदीस में फरमाया कि नहीं फरमाया कमजोर बीमार लंगड़ा लोला अंदा ऐसे जानवर का कुर्बानी करना जायज नहीं है अल्लाह के रास्ते में दे रहा है तो अच्छे से अच्छा दिया करो हाँ सिंह थोड़ा सा ट्रिम किया हुआ है कोई मसला नहीं आय जो खुल के आए वो आयब है आयब जो खुल के नहीं है थोड़ी बहुत बातों से वो आयब नहीं है थोड़ा बहुत इतना लंगड़ापन जाहिर नहीं हो रहा है कोई मसला नहीं इतना लंगड़ा के चल के जा नहीं सकते तो जायज नहीं हजरत अली रजी अल्लाह तआला से पूछा गया तो कहा कि जब वो चल के कुर्बान गांव में जा सकता है जबा करो कोई हर्ज नहीं है और कहा कि सिंह थोड़ी बहुत अगर टूटी हुई कोई मसला नहीं है लेकिन आधे से ज्यादा उससे ज्यादा टूटी हुई है कोई कुर्बानी जायज नहीं है अब रही बात आपने जानवर जब खरीदा था सही सलामत था बाद में आए पैदा हुआ कोई मसला नहीं बाद में गिर के टांग टूट गई लड़के सिंग तोड़ लिया कोई मसला नहीं जानवर बिल्कुल जायज है दूसरे जानवर ने हमला करके कुत्ते ने हमला करके उसको गोश उठा लिया कोई मसला नहीं जानवर कुर्बानी करना जायज है हम जानवर लेते हुए एक चीज हम दांत का ख्याल नहीं रखते हैं दांत वाला जानवर होना चाहिए मजबूरी हो तो कहा कि एक साल मुकम्मल कर ले तो ठीक है <coughs> लेकिन मजबूरी नहीं है जब तक मजबूरी नहीं है उस वक्त तक हमें कोशिश करना कि दांत वाला जानवर हो जानवर लाए नबी करीम वसल्लम ने फरमाया इन अल्लाहसान शई हर चीज पर एहसान को अल्लाह ताला ने जरूरी करार दिया जब जानवर जबा करो फैदा फबाह तुम फहसेन उद्दिब यान दिब है जब तुम जब करो तो जबा करते हुए भी जानवर पर एहसान करो अब जानवर पर एहसान क्या है लोग समझते हैं कि जबा करने से पहले पानी पिलाओ उसके बाद छुरी चलाओ जानवर जबा करने से पहले उसको पानी पिलाना कोई मसनून तरीका नहीं है अलबत् नबी ने जो फरमाया एहसान क्या है आइए। नबी ने कहा कि जानवर एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को जबा ना करो उनको भी तकलीफ होगी इस्लाम देखो दहशत खौफ नहीं फैलाने जानवर को खौफ जदा नहीं करना कहा रहा जानवर के सामने चाकू तेज मत करो यह आसान है पानी पिलाने आसान नहीं है फिर उसके बाद जानवर पूरी तरह से ठंडा होने से पहले चमड़ी ना निकालो कसाई लोग जल्दी जल्दी जाना है ये घर वो घर वो घर अभी ठंडा नहीं हुआ हाथ पैर मार रहा है लटका दिया और जो है चमड़ी छील रहे नहीं पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही चमड़ी निकालना याद रखो ये जानवर परेशान है ये जानवर परेशान है जानवरों के साथ बदसलू की और जो है जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए उनको चारा डालना चाहिए फिर उसके बाद उनको छोटे एक जगह पे ज्यादा को ठोस दे आपने तकलीफ हो रही नहीं करना जानवरों पर अच्छा सलूक एहसान होना चाहिए कुर्बानी के लिए क्या साहिब निसाब होना जरूरी एक मसला है कुर्बानी वही करना है जिसके पास जकत देने का वो काबिल है जैसे सदकातुल फितर के बारे में लोग कहते हैं नहीं कोई जरूरी नहीं है जकात देने वाला तो बहुत पैसा चाहिए उसके पास कुर्बानी के लिए जरूरी नहीं है निसाब के साथ कुर्बानी का कोई ताल्लुक नहीं है उसके बाद यह कि अकीका नहीं हुआ तो उसकी तरफ से कुर्बानी जायज है बिल्कुल जायज है अकीका अलग है कुर्बानी अलग है कुर्बानी आपको देना अकीका मां बाप पर जरूरी था मां बाप की हैसियत नहीं थी उस वक्त नहीं कर सके कोई मसला नहीं है यह बात दूसरी बात क्या कर्ज लेके कुर्बानी कर सकता हाँ कर सकता कर्ज लेके कुर्बानी कर्ज बाद में अदा कर सकता कोई मसला नहीं कर्ज लेके कुर्बानी करें ऐसा कुछ नहीं है क्या पहली कुर्बानी नबी की तरफ से करना है नहीं भाई नबी को हमारी नेकियों की कोई जरूरत नहीं हमें जरूरत है नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे खुद ब खुद नबी को सवाब मिलेगा बस समझ आ रही है नबी ने ऐसा नहीं कहा साहब कराम नबी से मोहब्बत करते थे किसी साहबा से साबित है नहीं है दूसरी बात क्या मैय की तरफ से कुर्बानी करना जायज है मुर्दा लोगों की तरफ से नहीं जायज नहीं है मुस्तकिल तौर पर असलन बुनियादी तौर पर किसी मरे हुए आदमी का नाम लेकर अल्लाह उनकी तरफ से और उनके घर वालों की तरफ से कबूल कर ले जायज नहीं है जिंदा आदमी का नाम ले और यह कहें अल्लाह तो इनके घर वाले जिंदा मुर्दा सबकी तरफ से कबूल कर ले यह जायज है कुछ उलामा ने यह कहा कि अगर मैयत की तरफ से आप कुर्बानी कर रहे हैं तो सदका है तो सारे गरीबों में तकसीम कर दो कभी भी कर सकते सदका मैं इतनी तरफ से सदका करना जायज है लेकिन कुर्बानी की नीयत से नहीं है हजरत अली की जो रिवायत पेश करते हैं कि वो अल्लाह के रसूल की तरफ से हर साल एक कुर्बानी करते थे नबी ने उनको वसीयत की है यह हदीस ज़ईफ़ है और दूसरी बात सही हो भी जाए तो उन्होंने वसीयत की थी से वो किए हमें कोई वसीयत नहीं किया ना और नबी करीम की जिंदगी में आपकी बीवी खदीजा अन्हा, आपके चचा का इंतकाल हुआ कि आपने उनकी तरफ से कुर्बानी की है नहीं की

सारे घर वालों की तरफ से हो जाएगा कोई हर्ज की बात है? नहीं है कुर्बानी का गोश्त क्या तीन हिस्सों में डिवाइड करना जरूरी है नहीं जरूरी नहीं है खुद खाओ दूसरों को खिलाओ तीन दिन से ज्यादा स्टोर करके रख सकते हैं हाँ अब रख सकते एक साल अल्लाह के रसुल मना किया वो एक साल के लिए था बहुत गुराबा आ गए नबी ने कहा इस साल तीन दिन से ज्यादा स्टोर करके नहीं रखना है दूसरा साल आया नबी ने कोई मसला नहीं खाओ खिलाओ सदका करो स्टोर करके रखो कोई हर्ज की बात नहीं है कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है